नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दुबले पतले शरीर को कैसे स्वस्थ, सुंदर और हेल्दी बनाया जाए, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास तीन ऐसी होम टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने शरीर में 15 दिन में बदलाव देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस टिप्स को आपको 15 दिन नहीं करना है, आप इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप इसको जब तक करें जब तक कि आप अपना मनचाहा वजन ना लें या प्राप्त ना कर सकें। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो पहली बात दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में अगर आपको मेरी होम टिप्स अच्छी लगती है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी होम टिप्स कैसी लगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रात को गर्म दूध लेना है, 1 गिलास गर्म दूध, और उसके अंदर हमें डालना है 7 दाख, या आप समझ लो इसको कहते हैं किशमिश या मुनक्का, जो कि बड़े वाले होते हैं। इनको हमें गर्म दूध में डाल देना है और ऊपर से कटोरी रख के ढक देना है, पीना नहीं है, हमें सिर्फ ढक के रख देना है। इसके बाद हम जब सुबह उठेंगे तो हमको चम्मच से वो जो दाग डाले हैं हमने, दाग, किशमिश या मुनक्का, तीनों एक ही बात है, इसको निकालना है और चबा चबा कर इसको खाना है और बचे हुए दूध को पी जाना है। दोस्तों, ये तो हुई अपनी एक बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके 2 घंटे बाद, दोस्तों इसके 2 घंटे बाद हमें 2 या 3 केले लेने हैं। अब ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ 2 या 3 केले लेने हैं, आप जितना खा सकते हैं, चाहे आप 1 खाएँ 2 खाएँ 3 खाएँ, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, आपको 3 केले लेने हैं या 2 केले लेने हैं, इसको खा लेना है और ऊपर से दूध पी लेना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो 1 केले को मसल कर दूध में डाल दीजिए और दूध में डालकर केले को पी जाइए, या फिर पहले केला खा लीजिए ऊपर से फिर दूध पी लीजिए, लेकिन आपको किसी भी हाल में पहले केला खाना है उसके बाद दूध पीना है। तो दोस्तों, ये हुई अपनी दूसरी बात। इसके बाद एक घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग फ्री हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, जो दिन में दैनिक काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो आप फ्री हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है दोपहर के भोजन की, जिसको कि हम लंच कहते हैं। लंच में दोस्तों, पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देसी घी का प्रयोग करना है। देसी घी हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारी मसल्स को बढ़ाता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो आपको देसी घी का प्रयोग खाने में ज़रूर करना है। अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो आपको 2 चम्मच डालना है। खाने में तो हुई ये बात। अब खाना, हमें खाना कैसे है, एक बार में खाना हमें भर पेट नहीं खाना है। भर पेट मतलब, कई लोग होते हैं ना कि एक बार में खाना खा लिया फिर उनको दोबारा भूख नहीं लगती। जी हाँ, हमें एक बार में पेट भर के खाना नहीं खाना है। हमें दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार थोड़ा 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 करके खाना खाना है। अब खाना हम चाहे 1 रोटी खा लें, फिर बाद में कुछ और खा लिया, काजू खा लें, बादाम खा लें, इस तरह से हमें कई बारों में अपना पेट भरना है। दूसरी चीज़, सीजनेबल जो फल होते हैं जो कि वेट बढ़ाते हैं। अब आप पूछेंगे वेट बढ़ाने वाले फल कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया केला। केले के बाद अब मैं बताऊं आपको, सर्दियों में अमरूद आता है, अमरूद को यूज़ कर सकते हैं, आम को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे फलों में कैलोरी और कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनका सेवन करके आपके शरीर में कैलोरी और कार्ब्स जाएगा और आप दुबले पतले से अपना हेल्दी हो जाएंगे। अब बात ये हुई ख़त्म। अब दोस्तों, शाम का टाइम हो गया, अब आप पूछेंगे अब क्या करना है। तो दोस्तों, शाम के टाइम हमको 200 से 300 ग्राम कच्ची मूंगफली लेनी है और उनको भून लेना है या रोस्ट कर लेना है और एक डिब्बे में भर के रख देना है। अब डिब्बे में भर के रख दी। अब शाम को, रोज़ शाम को हमें अपने मन मुताबिक 50 ग्राम या 100 ग्राम या आप जितना खा सकते हैं, गुड़ का टुकड़ा, गुड़ समझते हैं ना आप लोग, गुड़ का टुकड़ा और मूंगफली के दाने जितना आप खा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 200 ग्राम एक साथ खा जाएं, 50 ग्राम या 70 ग्राम या ऐसे गुड़ के टुकड़े के साथ आपको मूंगफली का सेवन करना है और ये आपको करते ही रहना है। कब तक, जब तक कि आपका वजन बढ़ ना जाए। मेरे हिसाब से तो 15 दिन में आपको आपके शरीर में बदलाव नज़र आने लगेगा।
और ये बिल्कुल गारंटी बात है कि आप अगर ये जो मैं बता रहा हूँ और आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको आपके शरीर में 15 दिन में नज़र अंतर आएगा दोस्तों। 15 दिन में आप भी याद करोगे कि हाँ हमने कोई वीडियो देखा था और किसी ने हमें ये बताया था कि वज़न कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको मेरी होम टिप्स कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद।